सर इतना ऊपर हाइट पे आप क्या कर रहे हैं? ये क्या बेच रहे हैं आप? ओ माय गॉड, कितने का है ये? 150 का है? ये SSC का है? आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? कितनी बिक्री होती है इसकी? होती है? आते थोड़ा बहुत होती है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी ज़्यादा बिक्री हो। मैं आगे डालूंगा वीडियो में, बोलूँगा कि आपसे आए तो आपसे खरीदें। और क्या करते हैं आप? तो मैंने अंकल से ये खरीदा है, ये लांगजा स्पीति में, पर है तो ये 150 रुपये का, पर अंकल से पूछ लो, मैंने अंकल से खरीदा ये 200 रुपये में। तो कोई भी यहाँ आएगा तो 150 में नहीं खरीदेगा, ये 200 में खरीदना है। यहाँ जाके कोई बार्गेनिंग नहीं होगी यार। देखो, आपके 150 बचा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके 50 कहीं चले जाएंगे, आप ऐसे ही फूंक देते हो ना। इन जगहों का हाल देखो, यहाँ पे 150 किसी को दिखे चले जाओगे तो क्या चलेगा। अंकल थैंक यू, अच्छा लगा आपसे। आपका नाम क्या है? डोरजे फुंजोक। ठीक है डोरजे जी, बाय बाय, मिलते हैं फिर आपको। तो इस तरह का रास्ता है यहाँ पे, और मैं निकल चुका हूँ अब हिक्किम से कॉमिक की तरफ। कॉमिक को कहा जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। हिक्किम को हम पीछे छोड़ा है, मोड़ काटा है मैंने। जो आपने मोड़ काट के राइट हैंड साइड पे जाना है, जो मोड़ काटा आप कॉमिक यहाँ से, अरे कॉमिक सिर्फ 1 किलोमीटर है। वाह, आई एम सो हैप्पी, सिर्फ 1 किलोमीटर है, पहुँच गए कॉमिक भी, पहुँच गए वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड आ गए। इसके आगे रोड खत्म हो जाती है, कॉमिक पहुँच के फटाफट हम यहाँ से, इसे फॉसिल विलेज कहा जाता है, मैं नीचे उतर के बताऊंगा कि फॉसिल विलेज क्यों कहा जाता है। इसके बाद फटाफट से हम लांगजा के लिए चलेंगे यहाँ से। ओके, ये लो जी पहुंच गए कॉमिक। कॉमिक में क्या है क्या नहीं है तो उतर के ही पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे हर चीज ऐसी है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट है। इस जगह को कॉमिक बोलते हैं, ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, इसके आगे बॉर्डर ही है, फिर आर्मी वालों के बेस कैंप है इधर उधर, और बंद रास्ता, बंद। इसके ऊपर गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं जाती भाई, सड़क बंद है यहाँ। ये है एरिया, और भूख लगी तो यहाँ आप रुक के खा भी सकते हैं कुछ। और एक ये है हिमालयन नेक्टर, हिमालयन ये है जी, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट है। कितने सारे लोग यहाँ आगे जा चुके हैं, नेक्टर किचन है यहाँ पे। ये नजारा है कॉमिक विलेज का, और ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है, मतलब बज रही है ना। म्यूजियम है कॉमिक कॉम्पा, ये कॉमिक विलेज है जिसकी आबादी तो आप समझ ही गए होंगे, चंद घर हैं यहाँ पे, गिन के ऐसे फिंगर्स पे आप गिन सकते हैं। और यहाँ पे ये देखो कुछ गिने चुने घर, कुछ है मंदिर है ऊपर, ये तो आए हैं तो मंदिर के दर्शन भी कराते हैं आपको, किधर क्या क्या है। ये देखो ये है, बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफी अच्छे से हो रहा है। ये है जी कॉमिक, यहाँ पे अपनी बॉडी को अडैप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आते उछल कूद नहीं करनी है, बैठ जाना है, थोड़ा सांसे भरनी है, एयर को अंदर जाने देना है, उसके बाद चलना फिरना है। ये देखो ऐसे चलते हाँप जाएगा बंदा, ये अगड़ पड़े आप। जल ही जीवन है, याद रखें जल। मैं तो क्रेट डाली हुई है गाड़ी पानी की, जल रखें अपने पास तभी बनेगी बात। यहाँ पे भी कुछ है वो देख लेते हैं क्या है। मॉनेस्ट्री है और बंद लग रही है मेरे को, बहुत सुंदर मॉनेस्ट्री है यार, मैंने किसी की वीडियो में देखी थी। ये देखो
यहाँ पे लामाज रहते हैं। क्या जिंदगी होगी यार, ये देखो चारों तरफ घर ही घर है यहाँ पे। बंद है अभी, तो अभी किसी से पता चला कि मॉनेस्ट्री खुली है और जा सकते हैं दरवाजा खोल के, बट ठीक है। क्या लाइफ है यार यहाँ पे, माय गॉड वाव, आई एम ग्रेटफुल मैं यहाँ पे आया। वाव बहुत सुंदर है, तो यहाँ भी आना है। अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे, मना किया है यहाँ पे कि छूना नहीं है कुछ भी, डू नॉट टच एनीथिंग, ये देख लो ऐसे दर्शन कर लो। जगहें बड़ी मानी भी होती हैं और जो जो रूल्स रिस्ट यहाँ पे लिखे होते हैं उनको फॉलो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा है कि भाई कुछ छूना नहीं है, तो नहीं छुआ मैंने, वीडियो बनाना था, पूछा बना सकते हैं। और अब जा रहा हूँ मैं शूज़ पहन के वापस, जो कुछ कर सकते थे वो तो देख ही लिया एक्सप्लोर करके। लेट्स गो टू लांगजा नाउ, चलो फिर लेट्स मूव। थोड़ी देर लगेगी आपकी बॉडी को अडेप्ट करने में, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगी। आते भी थोड़ा थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप जैसे भाग भी रहा हूँ तो आप नहीं रहा हूँ, पहले तो ऐसा लग रहा था कि दो तीन सीढ़ियाँ चढ़ी और पटाखा। अब ठीक है, हमारे जवान जय हिंद ऐसे जवानों को जो ऐसे मौसम में ऐसी हाइट पर यहाँ बेस कैंप बना के बैठे हैं ताकि उधर से कोई आके हमला ना कर सके। जय हिंद, सलूट है। ऊपर ऊपर तक, ऊपर ऊपर तक कैंप्स बनाए हुए आर्मी वालों ने, वहाँ ऊपर ऊपर तक। जय हिंद, चलते हैं फिर, समय हो गया आगे जाने का, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया कॉमिक, छोटी जगह पर टाइम लग गया। ठीक है, लांगजा में मिलते हैं। और अब हम लांगजा जाएंगे। बता दूं आपको, हिक्किम में कॉमिक में कहीं भी फोन नेटवर्क नहीं है, जियो का जीरो है, जीरो जीरो नेटवर्क एरिया है। यहाँ पे कोई टावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और यहाँ पे मेरे को लगता है सिर्फ आर्मी वालों के वायरलेस काम करते होंगे, वो जो वो होते हैं सैटेलाइट फोन्स नहीं होते हैं, वही काम करते होंगे। 1:28 हो रहे हैं, 1:28 पे यहाँ से चल पड़ा हूँ मैं। आपने वहां से मिट्टी वाले रोड पे नहीं जाना है, करना क्या है, हिकिम कॉमिक, कॉमिक के बाद सीधा जो मेटल रोड है उसी को फॉलो करना है लांगजा। कॉमिक से ही कोई 8 किलोमीटर भी नहीं होगा, जहां मैं अभी हूं वहां से 6 किलोमीटर है, एकदम लांगजा पहुंचने वाले हैं। मतलब सामने वाले पहाड़ और अब हम बराबर हो चुके हैं, इतनी हाइट पे हैं। तो अब जैसे ही आप वहां से चलेंगे और थोड़ी देर में आपको यहाँ पे ये रास्ता दिखेगा, इधर को जाता हुआ नीचे वाला काजा चला गया, यहाँ लिख रखा है उन्होंने वैसे काजा लांगजा। सामने ही आपको जो स्टैच्यू दिखेगा ना एक, उधर मैं दिखाता हूँ वो वाला, बस वो विलेज है आपका लांगजा, और ये तो नीचे को काजा चला गया। आपने इस रोड पे जाना है पहले। तो जी यहाँ पे भी हम ऑल्ट मीटर तो मेरा ये बता रहा है कि 14,355 फीट की ऊंचाई पे है यहाँ भी, और नेटवर्क फिर से नहीं है यहाँ पे। नाक वो ड्राई हो जा रही है, बिल्कुल सूख जा रही है, बहुत ड्राई है यहाँ की ना, मतलब इतनी ड्राई हो जा रही है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब अगर आप लोगों के पास कोई इलाज हो तो पहले लेके आए जिससे आपकी नाक थोड़ी जो है ना वो हाइड्रेटेड रहे। चलो जी वेलकम टू, अच्छा है कैफे होम्स दिख गया मेरे को सामने ही। वेलकम टू लांगजा, लांगजा विलेज पहुंच चुका हूँ। हाइट इसकी भी 14,355 के करीब है। लिखा है बुद्धा स्टैच्यू कमेटी लांगजा, 30 रुपए की पर्ची कटी आपकी, उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और चलते हैं एक बार वहाँ नीचे स्टैच्यू है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ चलते हैं फिर आगे। ये है लारा कैफे स्टे, यहाँ पे मतलब रुक भी सकते हैं, कैफे भी भूख लगी तो यहाँ भी खा सकते हैं, और इसकी आबादी काफ़ी कम है, काफ़ी मतलब निरी कम है। ये देखो ये
ये विलेज है, कहाँ रहते हैं लोग यार? यहाँ के ख्याल तो यही आता है कि अगर महीना निकालना पड़े यहाँ पे, फोन भी नहीं है ना, नेटवर्क भी नहीं है, पता नहीं कौन सा चलता होगा यहाँ पे, पूछना पड़ेगा कि फोन कौन से चलते हैं, BSNL चलता होगा शायद यहाँ पे, पूछना पड़ेगा। मतलब महीना निकालना पड़े यहाँ पे तो भाई साहब क्या करेगा बंदा, ठंडी हवा है यहाँ पे, चीरती हुई हवा चली हुई है। राजकीय केंद्रीय माध्यमिक पाठशाला लांगजा स्कूल है भाई यहाँ पे, कुछ इन एरियाज के बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ना सबका हक है तो इसीलिए। और जहाँ पे लिखा है मिल्क टी, जिंजर लेमन हनी टी, सी बक टी, कॉफी, मिंट टी, सब मिल रही है। एक बार लांगजा विलेज, ये लांगजा विलेज है, नीचे तक गाड़ी जा रही है, बस इतना सही है, कुछ मीटर में बसा हुआ, आगे फार्मिंग की है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी, सॉयल ब्लैक है यहाँ की, ब्लैक सॉयल है यहाँ पे, नीचे थोड़ी रेड थी, यहाँ आते आते सॉयल का कलर चेंज हो जाता है, बंजर है ना एकदम, काली सॉयल ये है जी, बहुत सुंदर बनाए हुए। मतलब सोचो यार क्या डिवाइन लग रहा है ना ये, बहुत देखो मेरे सामने बुद्ध जी का स्टैचू, पहाड़ की तरफ देख रहे हैं सामने, अलग ही वाइब। गले में लग रही है, हवा तो हो रही है, खांसी, ठंडी हवा है, फील तो हुई होगी आपको। जय हो बुद्धा स्टैच्यू ऑफ लांगजा, 35 फीट का स्टैच्यू है। सॉरी यार, लो जी अच्छे से कर लो दर्शन। ये जी स्टैच्यू, ये आसपास का नजारा। यहाँ कुछ कैफेज भी हैं ठंड में जो आपको कैफे चाय और कॉफी सर्व कर देंगे, इधर फूड स्टॉप भी है यहाँ पे कैफे, और 2-3 और भी कैफेज हैं, पर हो गया, ठंडी है बहुत यहाँ पे। खांसी देखो कैसे लग गई। चले फिर, ग्यारह पे मैं यहाँ था, ये आगे वाला रोड चला जाता है आपका लांगजा की तरफ, मेटल जो है, और ये वाला कॉमिक की तरफ जाता है, तो बेटर ये है कि पहले आप कॉमिक करो इधर से जाते हुए हिक्केम कॉमिक, और घूमते हुए वहाँ से मेटल रोड से लांगजा से आ जाओ। 11:39 पे यहाँ से मुड़ा था, पूरा सर्किट करने में ये वाला मुझे 2:22 हुए हैं, 2:22 पे वापस यहीं हूँ, ऑलमोस्ट गाजा पहुँच चुका हूँ, ये देखो इधर से आया हूँ, इधर से गया था, लगा लो हिसाब 11:40 पे गया था, 2:22 पे यहाँ पहुँच गया। चलो यार फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको लेके चलेंगे की मॉनेस्ट्री भाई, बहुत ही टेम्पटिंग फोटोज़ हैं जो मैंने यहाँ के देखे हैं, और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कभी की मॉनेस्ट्री विजिट करूँ, तो बस अगले व्लॉग में आपको मिलेगी की मॉनेस्ट्री, तब तक स्टे ट्यून्ड।